क्या हाल है जीतू भाई? बड़ी देर से यार आपको फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा। मेरे को जल्द से जल्द भाई कॉल करो यार। मैं अपने आईफोन से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, मतलब अपने सिस्टम के अंदर केबल वेबल सब है मेरे पास। मैंने ट्यूटोरियल भी देखा था ऑनलाइन, मगर वो हो ही नहीं पा रहा। पता नहीं क्या इशू आ रहा है और मुझे बहुत ज़रूरत है कि उसको ट्रांसफ़र करने की। मुझे ASAP कॉल करो। यूट्यूब सब फेल है, मैंने हर जगह पर ट्राई करके देख लिया, ये होगा कैसे मुझे ये बताओ। नमस्कार, मेरा नाम है क्षितिज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आपने अभी नकुल की आवाज़ सुनी होगी तो ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन हो गई है आजकल, ये प्रॉब्लम बहुत आने लग गए। और जब फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, जब मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी तो, और यूजली मैंने देखा है कि आजकल जो यूट्यूबर्स हैं जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं और बाद में उनको एडिट करना चाहते हैं PC या किसी में, तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं औरों का तो नहीं पता, मैं अपना एक इंसिडेंट आपको दिखाता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसे है, आप देखिए। बस भाई, एक दिन ऑफिस में आया, बैग फेंका, मोबाइल निकाला, रिलैक्स होके मैंने वो यूट्यूब खोला। यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो देखा और मैंने सोचा यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस फिर क्या, मोबाइल निकाला और मैं निकल गया। शूट के बाद वापस आया, अपना बैग खोला, वायर निकाला, अपना फ़ोन अटैच किया और डाटा ट्रांसफ़र कर रहा अपने फ़ोन से PC के थ्रू। तो होता क्या है, प्रॉब्लम आती कहाँ पर है? अब देखो, अब इसको हमने अटैच करा अपने फ़ोन को, इसके बाद हमने डेस्कटॉप खोला, DCM खोला, इसमें से बाद हमने लास्ट वाला फोल्डर खोला, यहाँ से हमने फ़ोटोज सिलेक्शन करी। फ़ोटो सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ से मैंने फ़ोटोज़ को फटाफट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने सारे को कॉपी पेस्ट किया और मैंने डाल दिया डेस्कटॉप। अभी सारे कॉपी हो रही है। आउट ऑफ सडन, बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट होता है आपका, जब लगभग सारा जितना आपने फाइल्स अपनी जो बनाई है, फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, आउट ऑफ सडन वो सारी की सारी ट्रांसफर हो रही हैं और एकदम से वो रुक जाती है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब वो रुक गई, अब यहाँ आप क्या कर सकते हो? यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। फिर आप करोगे क्या? आप अपने फ़ोन का प्लग इन करोगे, उसको दोबारा डालोगे? सपोज़ वहाँ आप ऐसी जगह हैं जहाँ आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या आपके पास कुछ और सोर्स नहीं है, ना iTunes से ले सकते हो, ना वाईफाई के, व्हाट्सएप के थ्रू या डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के थ्रू, आप किसी भी चीज़ के थ्रू ले नहीं सकते, तो उसमें क्या करोगे आप? अब आपके पास एक ही ऑप्शन है आपकी वायर, आप अपनी वायर को कब तक निकालोगे, डालोगे, कब तक करोगे? तो उसका एक और सोल्यूशन ये है कि उसकी एक सेटिंग है, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलेंगे, वहाँ से आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए, जाते रहिए और वहाँ पे आएगा फोटोज़ में बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे जाइए, वहाँ पे लिखा होगा ट्रांसफ़र टू मैक या PC। जब ट्रांसफ़र मैक या PC लिखा होगा वहाँ पे आपने वो ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक की जगह आपने उसको कीप ओरिजिनल कर देना। उसके बाद आप दोबारा अपना उसको कनेक्ट करके दोबारा आप अपने फोल्डर पर जाइए, वहाँ से फिर फोटो सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो जो फोटोज आपने जैसे पहले की थी, मैं दोबारा करता हूँ उसको थोड़ा फास्ट करके, और ये दोबारा करके और फिर एक बार ट्रांसफ़र करके देखते हैं क्या ये वैसे ही हो रहा है या वैसे अब हो रहा है। अब देखो आप कितनी तेज़ी से फाइल्स ट्रांसफर हो रही है, फाइल ट्रांसफ़र इतनी तेज़ी से हो रही है। वैसे तो मैंने थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड किया है, अदरवाइज वैसे भी फास्ट, बहुत फास्ट फॉरवर्ड होती है। तो ये बहुत आसान तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रांसफ़र्स कर सकते हो। एक छोटी छोटी सेटिंग्स आईफोन में जिसकी वजह से सारा का सारा सेटअप आप पूरा चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब की दीजिए। अभी ट्रैवलिंग थोड़ी हो नहीं रही है इसलिए अभी ऑफिस में से ही वीडियोस बन रही है। थोड़े दिन में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, नेक्स्ट मंथ होपफुली। कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा ये आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। पर डू लाइक फॉलो माई चैनल पांडा ट्रैवलर। Cheers.